संपूर्ण खबर को आसिबा स्पष्ट होलानी पद्मपुर उपनिर्वाचन व्हाइट पद्मपुर लागी प्रार्थी घोषणा करिछि दल बीजेडी तार प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेडी पक्षरु प्रार्थी होइछंती वर्षा रानी सिंह परिहा एनी आज दल पक्षरु आनुष्ठानिक भाबरे घोषणा करा जायछि विजय रंजन सिंह परिहा को बड़ झिया होइछंती वर्षा रानी से बीजेपी नेता रमारंजन बलियार सिंह को बहु इतिहास रे स्नातकोत्तर सह आईन ने मध्य उच्च शिक्षिता वर्षा रानी टिकेट मिलिथिबारु दल सहित सुप्रीमो को धन्यवाद जनाइछंती बापांको काम को देखि ताको टिकेट मिली तेणु निर्वाचित हेले आगक बापां भली अंचल विकास कार्य करे वर्षाराणी आसंता 16 तारीख से नामांकन दाखल करे देखो वर्तमान जो कल्पना जल्पना जो सस्पेंस था सब तार अंत घटी मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक शेषे पद्मपुर विधायक परिवार वर्ग को मोहर मार्च पद्मपुर विधायक बड़ झील बर्षाणी भरसा कर टिकेट घोषणा करते बर्तमान से ही घर पहुंची बर्तमान देखते सीधा दृश्य बर्तमान ये विधायक पत्नी उपस्थित पुआ उपस्थित अच्छा तेरे सीधा साल प्रथम प्रतिक्रिया नाक पुआ प्रतिक्रिया ना शेष में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आप भरसा कर टिकेट घोषणा करते आप नानी को बड़ बड़ भौणी को टिकेट घोषणा कौन पचार रखिए आप सबुरु प्रथम माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद वर्तमान बर्षा प्रतीक्षा ना सीधा साल प्रतीक्षा ना आप मुख्यमंत्री आप भरसा कर टिकेट घोषणा कर प्रतीक्षा रखे कौन कह धन्यवाद कह भरोसा रखी कौन लोक जिते भी लोक जनतार लोकामुख योजना अच्छे सरकार मेन मुद्दा मोर से रहा तो आपा चार विधायक थे मंत्री थे एथर गोटे पटे बीजेपी और कंग्रेस दुजन हेवीवेट नेता निर्वाचन अच्छा नुआ तो आप कमी लड़े करेंगे कौन कह बाबा को मु 35 वर्ष होगा बाबा राजनीति में छात्र जीवन से थे तो देखे देखे मुझे शिखि कथा शिखी तो आगुरु आपन के भाभी देले कि मु राजनीति का सिबी एमती हेबी गोल का के भाभी देले कि सेमती के भाभी ने जेहेतु आपन लॉ पाठ पढछंती ओकरति करथले तो केमती थिले आपन छात्र जीवन आग को कोन कोन मुद्दा ने कि जीवे गोटे पटे चासी समस्या रही छि पानी समस्या रही छि सपटे पद्मपुर उपखंड जिला मान्यता जीवन रही छि तब केमती करबे कोन कहबे लोकन के जेते भी मौलिक समस्या अछि मु सरकार पाखु नेकि जीवे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को धन्यवाद मो नानी उपरे भरोसा करले जेतु मो बाबा दीर्घ 35 वर्ष हला बिजू जनता दल संगे जनता दल संगे थिले हम तो से मु धन्यवाद देवा ले चाहू छी माननीय मुख्यमंत्री को आ कृतज्ञ जनावा ले चाहू छी शेष रे आपन को झियो बड़ झियो को टिकट मिली छी आपन केते खुशी कोन कहबे मैं बहुत खुशी अच्छी माननीय मुख्यमंत्री को नमस्कार करछि धन्यवाद दोछि मो झियो प्रति ताकर जन विश्वास ते थिला हम मो कुटुंब प्रति जहाँ ताकर विश्वास जन थिला से विश्वास रे से मो झियो को टिकट दे छंती ताकु बहुत बहुत धन्यवाद दे राज्य सरकार का जो विकास मूलक योजना रही से सब भित्तिक तृणमूल स्तर में वर्षा निर्वाचन मैदान को ओह्लैबे एवं निश्चित भाव में बाजीमात करेंगे एवं आसंता 16 तारीख दिन विधिवत भाव में से नामांकन पत्र दाखल करेंगे बोली सूचना दिसंती बीजेडी प्रार्थी घोषणा सहित स्पष्ट हो जाएगी पद्मपुर उपनिर्वाचन प्रार्थी स्वर्गत विजय रंजन सिंह बरिहा बड़ झील वर्षाराणी सिंह बरिहा को टिकेट देती दल एस 2019 विजय हासिल करी सपोर्ट मिले दल आशा रखी अंपटे वरिष्ठ नेता प्रदीप पुरोहित पुणि भरोसा करजेपी 2014 प्रदीप पुरोहित एठार विजय हासिल कर 2019 5734 खंड भोट्रे पराजित होते तेणु उपनिर्वाचन में कमबैक करने लक्ष्य दल
ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ। ସେ ମୋଟ 32,787 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ କରିବେନି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପଦ୍ମପୁର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ କରିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦାବି ଅଛି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୀମା ପଇସା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ତ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ରହିଛି, ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁଥିରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ, ତିନି ଭାଗ ଜଳସେଚନ ବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫସଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ବିଜେପି କହେ, ଜଳସେଚନ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ, 33% ଜଳସେଚନ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ କୌଣସି, ଏବଂ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମିନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନେକ ଦାବି ରହିଛି, ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ସହିତ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନର କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆମକୁ କହିଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶାସନରେ ଆସିଥିଲେ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଏଠି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ କିମ୍ବା ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ବିଜେପି ଯଦିଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଲା ମତଦାନ ସମୟ ଅବଧି। ଶୀତ ଦିନ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟିଂ ସମୟକୁ କମାଯାଇଛି। ଭୋଟିଂ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ସେପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯେହେତୁ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳ ଶୀତଦିନ, ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, 7ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ 300ରୁ ଆଭବ କେତେଟା ବୁଥ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ସେଠି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଘଟଣା ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ, ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ହେଉ, ମୁକ୍ତ ହେଉ, ନିରପେକ୍ଷ ହେଉ, ଏଇଟା ସବୁ ଦଳର କଥା ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ କେତେବେଳେ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ କହୁଛି ନାଚୁଛି, କେତେବେଳେ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି ତା କଥା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋଟା କଥା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି? ଆମ ପାର୍ଟି ଡିମାଣ୍ଡ ୱେଦର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ ଅନ୍ ୟୋର ପାର୍ଟ ଅର୍ ନଟ, ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ମାମଲା ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2016 ମସିହା ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏହାସହ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। रखिले पुनर्वर बदल लाउ घोषित करेंगे कैंडिडेट नेम कास्ट सेक्स मार्क से आम चाहूल जो चाहूल जानवाक चाहूँ आम मार्क केजे जानपर दरकार किए पाइला तार रोल नंबर टाइम छाड़देले के मार्क रखे जान ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଲିଭିନେ ରହୁଥିବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ଯୁବକ। ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି 35 ଖଣ୍ଡ କରିଛି। ମୃତଦେହର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରାଇ 18 ଦିନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ରଖିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। 5 ମାସ ତଳର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ପିଶାଚ ପ୍ରେମିକ ଅଫତାବ ଅମିନ ପୁନାୱାଲାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତ କେମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଥିବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରିଛି। ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି 35 ଖଣ୍ଡ କରିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତ କିଭଳି ଭାବରେ 35 ଖଣ୍ଡ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରାଇ 18 ଦିନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। 5 ମାସ ତଳର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହିତ ପିଶାଚ ପ୍ରେମିକ ଅଫତାବ ଅମିନ ପୁନାୱାଲାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମେହରୁଲି ପୋଲିସ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଘର ଅଞ୍ଚଳରେ 69 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ମଦାନ ୱାକର ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୁଲି ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାରେ ବିକାଶ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ସହିତ ପାଲଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର 26 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ମଲାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଫତାବ ଅମିନ ପୁନାୱାଲା ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର। ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ, ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧରି ଅଫତାବ ଅଚାନକ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅପହରଣ କରି ଅଫତାବ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ କରିଦେଇଥିବା ବାପା ବିକାଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମେହରୁଲି ପୋଲିସ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ଦୁହିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଅଫତାବକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଛାତି ଥରା ସତ। ଅଫତାବ କହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଧରି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ମେହରୁଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅଫତାବ ପ୍ରେମିକା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅଫତାବ କହିଛି ଗତ ମେ 18 ତାରିଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବା ପରେ ଏକ ଧାରୁଆ କୁରାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି 35 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲା। ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଦେହାବଶେଷକୁ ରଖିଥିଲା। 18 ଦିନ ପରେ ଅଫତାବ ମୃତଦେହର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ
दिल्लीर विभिन्न स्थान में फिंगिबा आरंभ करितला। प्रतिदिन राती दुईटा परे एक प्लास्टिक बैग रे किछि किछि देहावशेष नहीं विभिन्न स्थान में फिंगि पुणी घर को फेरी आसुथला। ए सबु कथा गोटी गोटी करी पुलिस आगे स्वीकार करिछि अभियुक्त प्रेमिक अफताब। एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से, वो लोग यहाँ पे आके जब रहे कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए, तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली, तो हमारे पास PS मेहरोली में वो लोग आए और हमने फिर इमिडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। इसमें वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब आफ्टर द इंसिडेंट, लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे, वो जॉब करते थे। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में, मुंबई में ही आए थे, देवर एन एलिवर रिलेशनशिप वहाँ पर भी, यहाँ पर भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे, बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। सर कब मारा, क्या तारीख थी सर और कैसे मारा? समवेयर इन मई जो लड़के ने बताया इसने लड़की को मारा। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी, आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको अभी, इट इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन, पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो अहेड। साउथ दिल्ली जिला पुलिस की मेहरोली थाना पुलिस ने एक बड़े हत्याकांड मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें यह पता चला कि श्रद्धा नाम की एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो आफताब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका है। हालांकि ये दोनों महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से आए थे और दिल्ली में पिछले कुछ समय से रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि श्रद्धा की बेरहमी से कत्ल करने के बाद उसे एक फ्रीज में छुपा दिया गया और फ्रीज में छुपाने के बाद अलग अलग दिन में वो बॉडी पार्ट को निकालता था फ्रीज से आफ्ताब और जंगल में जा करके फेंक देता था। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए वो फ्रीज है, इसी फ्रीज के अंदर में श्रद्धा का बॉडी को, उसके बॉडी को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इस फ्रीज में डाला जाता था। देखिए नया फ्रीज है LG कंपनी की और उसके बाद इसी फ्रीज को आफ्ताब ने खरीदा था और उसके बाद इस फ्रीज में श्रद्धा के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में डालने के बाद हर रोज एक पॉलिथीन में डाल करके उसकी बॉडी को ले जा करके जंगल में छुपा फेंकता था। और जो पहाड़ी वाला इलाका, खासतौर पे मेहरोली के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे जो जंगल वाला जो इलाका है उस जगह पे जाके उस बॉडी को फेंक देता था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 18 से 19 दिन तक ऐसा लगातार इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था। लेकिन इसी दौरान में मेहरोली थाना पुलिस को जानकारी मिली आफ्ताब के बारे में और आफ्ताब के बारे में तमाम जानकारियों को मिलने के बाद उसको इस मामले की तफ्तीश किया गया, उसके बाद आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है, आफ्ताब का बयान दर्ज किया जा रहा है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिस तरह से लिव इन रिलेशन में दोनों आपस में रह रहे थे, पिछले काफ़ी समय तक आपस में रह रहे थे, उसके बावजूद किस तरह से बकायदा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दहशत फैलाने वाला एक, जिस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक कहा जा सकता है एक जानवर के माफिक आफ्ताब ने उस श्रद्धा को पहले, सबसे पहले जान मारा, उसके जान से मारने के बाद उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके उस फ्रीज में डाला गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल को दहला देने वाला ये जो वारदात है, इस मामले पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तेज पद्मपुर लागि प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेडी एवं दल पक्षर प्रार्थी होइछन्ति वर्षा रानी सिंह बरिहा, तांको सहित अधिक आलोचना पई अछन्ति हम प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान। सीधा सरक जीवा त्रिविक्रम को बहको त्रिविक्रम आपण अछन्ति, आपण पाखरे वर्षा रानी अछन्ति तो जानिबा को चाहिबो को इस्तु नै कि जिबे एवं कोन रहइबो तांकर स्ट्रेटजी।
हाँ देखो स्वागतिका पद्मपुर उपनिर्वाचन वर्षाराणी सिंह बेरिया प्रार्थी विजु जनता दल तरफ प्रथम प्रतिक्रिया ना कौन प्राथमिकता एवं प्रथम प्रतिक्रिया कौन प्राथमिकता बापा अधूरा स्वप्न एवं मुख्यतः जो आप कौन भाई प्रथम कौन कौन कर फर्स्ट तो मो माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देबी से मो पर एते विश्वास करके मते टिकट दे आउ बाबांकर जेते विकास धारा अछि माननीय मुख्यमंत्री को जेते विकास धारा अछि मो ताको आकु नेके जेबे मुख्यतः जो रही जमी आप किसी समय पूर्व कहते महिला सशक्तिकरण ठार आरंभ कर चिंता कर निश्चिंत भाव बापा जन जनप्रिय नेता थे अंचल बारंबार जीतुले महिला सशक्त मेनली एजुकेशन बेसी गुरुत्व देवी और जिते भी पदमपुर मौलिक समस्या अच्छी सरकार पाखरे पहुंचाई रही मुख्यतः जो वर्तमान परिस्थिति पदमपुर विभिन्न प्रकार दाबी उठी आप कौन रही मुख्यतः मत केमती हिसाब से आगक भोटर को केमती मनाइबे मेनली जिला दाबी कहते बीजेडी तार सहमति देटा से प्रतिश्रुति माननीय मुख्यमंत्री कि पदमपुर को स्वतंत्र जिला से करेंगे कहीकि पद्मपुर जिला दाबी बहुत पुराना एवं विजु जनता तरफ स्टैंड क्लियर करा जाइछि तबे आउ गुड़िया चाषी आंदोलन को नहीं चली आज भारतीय जनता पार्टी तरफ आज आसी प्रार्थीपत्र दाखल करने कि चाषी को समर्थन कर वर्तमान दाखल करना प्रार्थीपत्र जो नुआ स्ट्राटेजी रोची भारतीय जनता पार्टी और कंग्रेस अंचल पूर्व जे थे विधायक सी भी निर्वाचित हो आसते तो ताको दृष्टि रखी केमती हिसाब से जदि दल आप पक्ष रही निजे ए अंचल कौन कौन सब करने चिंता कर जेते के भी पदमपुर मौलिक समस्या अच्छे कन्स्टिट्युएन्सी मुझे सल्व करी मुख्यतः एवं जब आम देखा पद्मपुर निर्वाचन मंडल समस्त नजर पद्मपुर निर्वाचन मंडल आपण प्रार्थीपत्र आज जेहेतु आपण ना हाइकमान मारे मोहर मारे तेणु आपण जन महिला एवं सहित ए अंचल जेहेतु बापा जनप्रियता अच्छी जनाधार रही सहित आपणकर निजर जो रही अंचल जहाँ किसी अनुभूति रही केमती हिसाब से भोट्रे परिणत करने व्यवस्था कर माननीय मुख्यमंत्री को जितकी भी तार लोकाभिमुखी अच्छी जहाँ सब योजना अच्छी मुझे लोकों पाखे पहुंचाई बाबा जितकी विकास धारा अच्छी आगे नहीं जी सीधा सड़क तो वर्षाराणी को टिकेट दे बीजेडी अनुकंपा भोट हाथ नजर रखी तिबिक्रम आम सहित अच्छा तिबिक्रम पाखे अच्छा वर्षाराणी बीजेडी जहां प्रार्थी भाव में घोषणा करी तिबिक्रम टिके वर्षाराणी पचारंतु गोटेपट आप देखते प्रदीप पुरोहित रही बीजेपी प्रार्थी और अनेपटे रही कंग्रेस सत्यभूषण साहू वरिष्ठ बनाम अभिज्ञ ए क्षेत्र में वर्षाराणी जेहतु नुआ मुह तो कौन स्ट्राटेजी करेंगे और चाषी गोटे बड़ फैक्टर रड़ भोट बैंक तो से निजर रणनीति किभली करेंगे हाँ देखो वर्षा जहाँ आप कहते कि महिला मानक गुरुत्व देवे माननीय मुख्यमंत्री महिला गुरुत्व कौन रही मुख्यतः तो महिला मानक जेहेतु एवं महिला मानक भी प्राथमिकता दि जाए देखो जेते बेले मुख्य फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री 2000 आगर महिला माने घर बाहर न थिले आउ से एसएसजी ग्रुप फर्स्ट टाइम क्रिएट ही छि उड़ीसा रे तार पर जाई से या को अनुकरण करी बाहर राज्य माने एसएसजी ग्रुप माने से माने करछन्ते से तो मुख्यमंत्री खाली शिक्षा क्षेत्र में अनेक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में महिला मानक बेस सुविधा दौंते आगे करुंच तो मुझे आगे नहीं देखो जहाँ सीधा सड़क वर्षाराणी को कहवा कथा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जेहेतु महिला मानक अग्राधिकार देखते राज्य में महिला सशक्तिकरण को वृद्धि कराइंट महिला मैंने समस्ते सब क्षेत्र में पारंगम अच्छा तेणु से आग को कमी नहीं पारे ताऊपर ही प्राथमिकता रपा जहाँ जहाँ किसी स्वप्न रही है ताको कमी पूरण करसहत जो दाबी गुड़िक रही दाबी गुड़िक सकारात्मक मत व्यक्त कर आगामी दिन में से अंचल विकास यत्पर चेष्टा करिवे एवं समस्त प्रकार पद्मपुर विकास कार्य करिवे बोली जहां सूचना दैछन्ति निश्चित भाव में भरोसा करी प्रार्थी करितबार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को वर्षा धन्यवाद जनाइछन्ति एवं कहिछन्ति कि टिकट रेस जेतु नथिले किंतु बापा जेतु भलो काम करिछन्ति सेतिपई दल तांको उपरे विश्वास करिछि भरोसा करिछि एवं तांको प्रार्थी करिछि धन्यवाद विक्रम आपनको समस्त सूचना पई।
नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। वर्तमान जो बड़ खबर पद्मपुर उपनिर्वाचन पर बीजेडी प्रार्थी घोषणा एवं दल पक्ष प्रार्थी हेले वर्षाराणी सिंह बरिहा दल पक्ष आनुष्ठानिक भाव घोषणा करागला प्रार्थी एवं विजय रंजन सिंह बरिहा बड़ झी वर्षाराणी जिकि उच्च शिक्षिता महिला एवं जने लयर जहां आशा करा विजय सिंह बरिहा स्त्री पत्नी अबा झी जे भी सेतर प्रार्थी करें दल अंपटे आशायी भी अनेक थे ये भितर महिला खाड खेली विजे और विजय रंजन सिंह बरिहा बड़ झी वर्षाराणी को वर्तमान मोहर भर जा पद्मपुर उपनिर्वाचन अजय मल्लिक अच्छा अधिक आलोचना अजय से जो अनुमान करा जो चर्चा लगी रही तार अवसान घटी वर्षाराणी सिंह बरिया प्रार्थी होती हिसाब से देखु जितने बीजेपी और कांग्रेस आगुआ डिक्लेयर करते गोटे आशा करजेडी से कैंडिडेट को टक्कर दवा भाई एक कैंडिडेट घोषणा कर क्रम देखिए विजय रंजन सिंह बरिया बड़ झी वर्षा सिंह बरिया प्रार्थी कर देखिए विचार विमर्श लागू रही समस्त सहित तर्जमा पर देखिए ग्रास रुट लिडर मान आलोचना करे ये एक निष्पत्ति नहीं बीजेडी कारण देखिए वर्षा सिंह बरिया रही सी उच्च शिक्षिता देखिए स्नातकोत्तर इतिहास स्नातकोत्तर पास करपटे देखिए आईन छात्री तेणु क्योंटा कौटी जैसे महिला चेहरा अंपटे दल रहा प्रति अनुकंपा रही स्थित देखिए सब आड़ दल विचार विमर्श कराया वर्षा राणी वर्षा बरिया प्रार्थित उपर दल मोहर मारी देखिए आपने दीर्घ समय धरी आलोचना होता सहित आलोचना करो मैंने ग्रास रुट आक्टिव अच्छा जो मैंने कि कर्मी अच्छा जो नेता मैंने दबदबा रही पद्मपुर निर्वाचन मंडल में समस्त सहित विचार विमर्श कर दल मैंने आगू जो कौन समस्या न आसे कौन विद्रोह न उपजे देखिए तीन जन ना चर्चा रही शेष मुहूर्त में गत काली देखिए जो रही विधान संप्रदायर जो रही कर्मकर्ता सदस्य से मुख्यमंत्री को भेटी सीधा सड़ख दाबी करते कि जड़े बरिया पर क्या प्रार्थी कराऊ कारण तर से दीर्घ दिन धरी लोक सहित जड़ित अच्छा लोकों समस्या सहित जड़ित अच्छा तेणु पर क्या प्रार्थी कराऊ क्रम देखिए आशाई संख्या बढ़ुला पर बाहर तिलोत्तमा बरिया कथा कहुला पुतरा बो सिंह बरिया पुतरा बो माधवी सिंह बरिया कथा कहुला अंपटे देखिए वर्षा सिंह बरिया कथा आसू जिकि देखिए बीजेपी रमानंदन सिंह बरिया ये बहु हे तेणु क्योंटा कौटी जैसे विभिन्न दिगक नहीं दल विचार करजमा कर शेष वर्षाराणी प्रार्थित्व दल मोहर मारी आगू चेहरा कर बर्तमान दल मैदान को अजय वर्षाराणी जदि कह जो भाव में युव चेहरा कि अंपटे प्रदीप पुरोहित बीजेपी तरफ अनुभवी सेपटे सत्यभूषण अनुभव से पुरुखा ए भितर जदि देखा कि गोटे स्थिति बर्तमान से निश्चित देखु कांग्रेस और बीजेपी प्रार्थी को जब देखिए गोटे पट अभिज्ञ बनाम अनभिज्ञ लड़े एठार हम कि आम जमी आलोचना करम स्क्रीन में देखा गोटे पटे बीजेपी और कांग्रेस प्रार्थी बनाम बीजेडी संगठन कारण दुई नेता देखिए कांग्रेस सत्यभूषण साहू और बीजेपी प्रदीप पुरोहित पूर्व प्रदीप पुरोहित विधायक रही लड़ी विजय चंद्र सिंह बरिया हर लास्ट इलेक्शन देखिए कम व्यवधान 6,500 वोट रु कम व्यवधान में हारी अंपटे सत्यभूषण साहू तीन विधायक 1985 विधायक होते शेष थर पर 2004 विधायक होते बेस दबदबा रही देखिए कांग्रेस पॉकेट वोट 30,000-40,000 रोची तले देखिए वर्षा रंजन वर्षाराणी बरिया क्योंटा क्योंटी तुलन अनभिज्ञ किंतु गोटे पटे देखिए उच्च शिक्षिता तेणु क्योंटा कौटी जिते अभिज्ञ को लड़े जन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर उच्च शिक्षिता युव चेहरा अंपटे महिला देखिए बीजेडी जिते गोटे महिला नारा दूसरी महिला मानक सामना करुच्च महिला मानक अग्राधिकार दूसरी विभिन्न क्षेत्र में हे तो यह आउ एक पाद जदि कहीपर बीजेडी महिला को नहीं महिला भोट सपक्ष में नाक प्रयास करपटे देखिए बिंधाल संप्रदाय कथा कहुच्च उच्च शिक्षिता रेल अनुकंपा जीव हे तो सबू दिग को विचार करापर सबू